हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज मैं अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 7:30 बजे, आज से पहले मैंने कभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। रीजन मैं बता रही हूँ कि इतनी जल्दी मैं मेरा ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज जाना है मम्मी को और आराध्या को घर छोड़ने, और मुझे मेरे घर भी जाना है, थोड़ा सा काम है। 3-4 दिन बाद मेरे घर कुछ प्रोग्राम है, तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है घर में कि क्या कैसे करना है। तो आज ही जाएंगे, आज ही वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि थोड़े बहुत जो सामान लेने हैं वो हमें लखनऊ से लेना है, तो उसी की लिस्ट लेने हम हमारे घर जाएंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हो, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दे, आपका एक लाइक हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। बोल तो रहे थे कि एक लाइक, बट फिंगर दोनों दिख रही थी तो हो जाता है, बट दो बार लाइक मत करना, नहीं तो एक भी लाइक मुझे नहीं मिलेगा दो लाइक के चक्कर में। तो क्या है ना कि मैं रेडी होने जा रही थी, मैं कुछ खास मेकअप करके जाने वाली हूँ नहीं। आज मेरा मेकअप करने का बिल्कुल मूड नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि मैं मेकअप लवर दीज डेज नहीं हूँ, कुछ दिनों से नहीं हूँ। वैसे तो मेकअप लवर हूँ, काफी ज्यादा हूँ, बट कुछ दिनों से क्या है ना कि मेरी स्किन थोड़ा सा हेल्दी एंड ग्लोई हो गई है, तो मुझे मेकअप करना पसंद नहीं आता। तो मुझे सारा दिन बाहर रहना है, और अगर मैं इतना टाइम, मतलब पूरा दिन अपने फेस पे मेकअप लगा के बैठूंगी ना, तो मैं ऐसे 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 करती रह जाऊंगी। पता नहीं क्यों यार, कुछ दिनों से ना मुझे खुजली सी होने लगती है। मैंने टोनर ऑलरेडी अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। जैसे ही मैं नहा के आई ना, तुरंत मैंने टोनर एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वो एक्सट्रीमली लेवल पर ड्राई है। तो अगर मैं टोनर और मॉइस्चराइजर नहीं लगाती तो मेरी स्किन काफी ज्यादा खिंची खिंची लगती है। अब बाकी रह गई है एक चीज, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप लोगों को भी, कि जब भी घर से बाहर जा रहे हैं तो इस चीज को लगा के जाना बिल्कुल भी ना भूले। कई लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सनस्क्रीन की। बट मैं यहाँ पर जो सनस्क्रीन दिखा रही हूँ ना, जब आप देखेंगे तो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। सीरम यूज करना किसे नहीं पसंद है, और अगर सीरम मिल जाए सनस्क्रीन में तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं वाओ की सनस्क्रीन लेने गई थी अमेजोन पे, मतलब बाय करने गई थी। वाओ की सनस्क्रीन के बारे में मैंने काफी अच्छा रिव्यू देखा है, कई यूट्यूबर से देखा हुआ है। तो जब मैंने वाओ सनस्क्रीन डाला तो सबसे पहले मेरे सामने आ गया वाओ सनस्क्रीन सीरम। तो मैंने कहा ओ माय गॉड सीरम। आप लोगों को तो पता है कि सीरम यूज करना मुझे कितना ज्यादा पसंद है, तो मैंने ना आओ देखा ना ताओ उस सनस्क्रीन को कर दिया मैंने साइड में, मैंने बुक कर ली ए वाली, और मेरा प्राइम मेंबरशिप है तो मुझे एक ही दिन के अंदर ही मुझे मिल गया। और इसको मैंने कल यूज किया था और आज मैं आप लोगों के सामने यूज कर रही हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा जो था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मुझे कितना ज्यादा पसंद आया। तो अब मैं आपको ज्यादा बताती नहीं हूँ, अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ और आप लोग खुद जज कीजिएगा कि क्या ये अच्छा वर्क करता है कि नहीं। और आप लोगों को तो पता ही है कि वाओ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, पैराबीन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कलर नहीं होता है, 100% नेचुरल होता है। अभी मैं लगा ले रही हूँ, बाद में मैं आपको आपके साथ अपना रिव्यू भी शेयर कर दूंगी। थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है, आपके फेस पे काफी प्यारा सा ग्लो आ जाता है। तो मैं यहाँ पर इतू सा ले रही हूँ, आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा रफ करना है ऐसे करके, ताकि थोड़ा सा ये ब्लेंड हो जाए। इसके बाद ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। और इसे लगाने के बाद बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट आपके फेस पे नहीं आती है, नहीं तो काफी सारी सनस्क्रीन होती हैं जिसे लगाने के बाद ना आपका फेस काफी ज्यादा ऐसा लगता है व्हाइट, बिल्कुल भी ग्लो नहीं लगता, व्हाइट कुछ ज्यादा ही रहता है। लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन हमेशा डैब डैब करके लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके रगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। क्या है ना कि मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है, उनका नाम है मतलब वैसे तो नाम है अफसा, उनके चैनल का नाम था ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यू। एक चैनल नहीं, उनका दो चैनल था, किसी ने उनके दोनों चैनल को हैक कर लिया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। एक्चुअली वो ऑनलाइन बिजनेस भी करती है, उन्होंने काफी सारे ऑर्डर्स ले रखे हैं, और जब तक उनका चैनल था तब तक लोगों को विश्वास था कि हाँ उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा, तो लोग शांत थे। लेकिन जैसे ही उनका चैनल डिलीट हो गया, मतलब हैक करके किसी ने डिलीट कर दिया है, तो लोग मैसेजेस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप और कॉल पे कॉल कर रहे हैं। एक तो खुद ही इतनी ज्यादा परेशान है, ऊपर से इतने सारे मैसेजेस एंड डीएम आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान है। तो मैं गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज पेशेंस रखिए, आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले, अब सब जल्दी आएंगी। कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए कि उनका चैनल मिल जाए। अगर उनका चैनल नहीं मिलता है तो वो एक नया चैनल बनाएंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी, उनका नंबर ऑन है, हम लोग हैं, तो प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के पैसे नहीं जाएंगे।
बट हाँ, जिन्होंने भी ऐसा किया है ना, काफी गलत किया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक का एक नहीं, उनको दोनों चैनल किसी ने हैक कर लिया, हम लोग समझ सकते हैं। 2 साल से उनकी मेहनत थी, 2 साल से लगातार वो मेहनत कर रही थी अपने दोनों चैनल पे। सोच लो, जब एकाएक चैनल चला जाता है तो इंसान पे क्या बीतती है। और जब कल मैंने उनका स्टेटस देखा तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई। मैंने उनसे बात करी तो मैंने बोला उनसे कि मैं वीडियोस बना दूं, तो बोली नहीं यार, सिर्फ आप इतना मैसेज दे दो जो मेरे सब्सक्राइबर या मेरे जो कस्टमर है कि वो लोग परेशान मत हों। अगर मेरा चैनल नहीं मिलता है तो मैं जल्दी एक नए चैनल के साथ आऊंगी और उन लोगों के पैसे कहीं नहीं जाएंगे। गाइस, उनको काफी सारे व्हाट्सएप एंड डीएम आ रहे हैं तो रिप्लाई वो नहीं कर पाएंगी। आप लोग प्लीज प्रॉब्लम को समझिए एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्या है ना कि अभी वो खुद ही भागम दौड़ में बिजी है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आने जाने के चक्कर में। तो इसलिए आप लोगों के कमेंट या डीएम का रिप्लाई, कमेंट डीएम मतलब यार यही आदत हो गई है, आप लोगों के डीएम एंड व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं कर पाएंगी। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, जल्दी उनको उनका चैनल मिल जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। क्योंकि वो उनकी मेहनत, मतलब उनका मेहनत उस चैनल पे लगा हुआ है, तो उनके चैनल के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। जल्दी उनको उनका चैनल मिल जाएगा, जैसे भूमि भाटिया को मिल गया। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि जल्द से जल्द उनको उनका चैनल मिल जाए। तो यही बात करनी थी मुझे आप लोगों से। मुझे ज्यादा कुछ मेकअप नहीं करना है, बस मैंने मेरी स्किन केयर कर ली हुई है, सनस्क्रीन लगा लिया, और इसी सनस्क्रीन को लगाने के बाद मेरे फेस पे काफी प्यारा सा ग्लो आ गया है। बस मैं मेरी आईब्रो फिल कर लूंगी एंड लिपस्टिक लगा लूंगी, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। तो चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जब मैं रास्ते में रहूंगी, कार में रहूंगी तो मैं अपना रिव्यू शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इसमें SPF 50 हाई है, आप देख सकते हो, और प्लस इसमें एवोकाडो, कैरेट एंड रसबेरी एक्सट्रैक्ट, काफी कुछ है। तो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है वाव का सनस्क्रीन फेस सीरम। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। SPF 50 काफी ज्यादा मायने रखती है। अगर आप 50 से नीचे लगाते हैं तो आपको उतना ज्यादा वर्क नहीं करता आपके फेस पे। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उस चीज रिकमेंड कर पाऊँ जो आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो। और फाइनली मुझे एक अच्छी चीज मिल गई। सो चलो, मैं आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, अब हम लोग घर से निकल गए हैं। जैसे ही हम लोग घर से कुछ ही दूर निकले थे, इतनी तगड़ी बारिश होने लगी कि मैं आपको क्या बोलूं। अभी आप लोग देख लीजिएगा, बारिश का एंजॉय कीजिए, इसके बाद रिव्यू देख लीजिए। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसके थ्रू जाके ले सकते हो। सो गाइज, मैं बात कर रही थी वाव स्किन साइंस सनस्क्रीन फेस सीरम की। मैट फिनिश लुक देता है आपको। तो अगर आप लोग किसी अच्छे सनस्क्रीन की तलाश में है तो हाईली रिकमेंडेड है सनस्क्रीन। इसमें आपको SPF 55 मिल जाता है, आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस इसमें आपको मिल जाएगा PA++++। तो प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सभी 100% नेचुरल है। एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये बना हुआ है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से। यहाँ पर आप देख लीजिए, नेचुरल सन ब्लॉकर्स, रसबेरी एक्सट्रैक्ट है इसमें, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है, एवोकाडो ऑयल है एंड नो पैराबीन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म पहुंचाए। फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट है। सो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं लिंक। तो चलो, मैं आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट भी दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर आपको की इंग्रेडिएंट्स दिख जाएगा, प्यूरिफाइड वाटर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो काफी कुछ है जो नेचुरल है। यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या वर्क करता है, ये देखिए। और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। UVB एंड UVA से प्रोटेक्ट करता है। जब आप इसे बाई करेंगे तो सारी डिटेल्स आप खुद ही देख लीजिएगा। प्राइस भी मैं आपको बता दे रही हूँ, इसकी प्राइस है 399 रुपीज, बट हमेशा इस पर डिस्काउंट चलता रहता है। इवन मैंने भी इसे डिस्काउंट में ही लिया है, मुझे मिला है 349 रुपीज का। यस सो गाइज, हम चल रहे हैं ढकवा, जिन्होंने मुझे सजाया था मेरी शादी में, उनसे मुझे मिलना है। आप लोगों से भी मिलाना है, थोड़ा सा काम है, बाद में मैं बताऊंगी कि मैं वहां पर क्यों गई थी। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। सो गाइज, मैं मिला रही हूँ आपको उनसे।
जिन्होंने मेरी शादी में मेरा मेकअप किया था, माइंड मत करना, लाइट बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। दीदी से हाय, ये है मेरी दोस्त और एक क्यूट सी डॉल, मेरी दीदी की बिटिया। हाय, नाम आपका साक्षी है ना? इनका नाम साक्षी है और दीदी आपका नाम मीरा। जानू को गैया देखनी है, ये देखो गैया खा रही है, देखो ये मेरी गैया है। ये देखो कितना ज्यादा। सो गाइज, मैं आ गई हूँ मेरे मायके। यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आई हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बस 5 मिनट के लिए आई हूँ। तो अब बस हो गया, मम्मी भाभी को सब कुछ छोड़ दिए, अब हम जा रहे हैं घर। चलो अभी आप लोगों से मिलते हैं कुछ देर बाद। सो गाइज, मैं मम्मी को छोड़ के घर आ गई हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बोलूँ, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। मुझे अभी एक ब्लॉग का एंड भी करना है, बट मन में कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस यही हो रहा है ना कि मैं बिना फैमिली कैसे रहूँगी यार। 7 से 8, 9, 10 दिन थे लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई भी नहीं आ रहा था, उसको जबरदस्ती करके निभा आई हूँ, वो आया है। तो हम लोग अभी लंबुआ में हैं, रात के 7, 7:30 बज रहे हैं और भाई गया है टिक्की बनवाने। हम लोगों के यहाँ चाट बोलते हैं कि खा लेते हैं तब चलते हैं, अभी जाना है ससुराल, मुझे जाना है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, आई नो इतना ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैं नहीं बनाती हूँ, बट हो गया है। तो आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। अब मैं अब से स्टार्ट करूँगी मेरे ससुराल का ब्लॉग, अगर पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए माफ़ कर देना। सो आज के लिए बस इतना गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।